ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने महामृत्युंजय मंत्र अवश्य ही सुना होगा, पूर्ण मंत्र भी सुना होगा, और उसका जो छोटा रूप है वो भी सुना होगा। पूर्ण मंत्र का उच्चारण तो सिद्ध व्यक्ति ही करते हैं या कर सकते हैं, और केवल वही उसमें सफल होते हैं और वही उसको कामयाबी पूर्ण तरीके से मृत्युशैया या अकाल मृत्यु मरने वालों को बचाने की क्षमता रखते हैं। जो छोटा मंत्र है वो छोटी मोटी चीजों में कार्य आता है और उसका उपयोग उन्हीं छोटी मोटी चीजों में होता है। अब आज हम यहां मृत्यु निवारक मृत्युंजय स्तोत्र का उच्चारण करेंगे। तो जब कहीं पर जहां भी महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जा रहा हो या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ होता हो या भगवान शंभु शंकर भोलेनाथ को महामृत्युंजय मंत्र सुनाया जा रहा हो नित्य जिस भी घर में या अनुष्ठान स्थल पर, तो वहां पर मृत्यु निवारक मृत्युंजय स्तोत्र अवश्य उच्चारण किया जाना चाहिए। अन्यथा नित्य ही अपने घर में इस मृत्यु निवारक मृत्युंजय स्तोत्र का उच्चारण नित्य ही करना चाहिए। भगवान शंकर के समक्ष एक घी का दीपक जला करके और इस मृत्यु निवारक मृत्युंजय स्तोत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए और इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र पूर्ण यदि आपके पास उपलब्ध है तो पूर्ण मंत्र का उच्चारण करें। पूर्ण नहीं है तो छोटे का ही सही, छोटे मंत्र का उच्चारण करें। छोटा मंत्र केवल छोटा ही सा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मय बंदनान मृत्युर्मुखीय मा अमृतात। मैं फिर से उसका उच्चारण कर रहा हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मे बंदनान मृत्युर्मुखीय मा अमृतात। ये छोटा मंत्र है और इसका जो पूर्ण मंत्र है वो बहुत बड़ा है और उसका उच्चारण ही अधिकांशतः करना चाहिए। और ये मृत्यु निवारक मृत्युंजय स्तोत्र तो ऐसा है जिसका उच्चारण हर घर में भगवान शंकर के समक्ष घी का दीपक जला करके सुबह शाम किया जा सके तो बहुत सुंदर, उन्हें कम से कम दिन में एक बार अवश्य करना चाहिए या इस सीडी या डीवीडी को भगवान शंकर के समक्ष बजाना चाहिए, सुनना चाहिए। और जब तक यह पूर्ण न हो जाए वो स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान शंकर के समक्ष हाथ जोड़ करके पालती मार करके कृपया बैठे रहे। और मंत्र पूर्ण होने के बाद महामस्तक टेक कर उसके उपरांत ही उठें। एक घृत का दीपक तथा थोड़ा सा धूप सुलगा दें या गीली धूप आती है तो वो, अगर देशी घी की धूप मिल जाए तो देशी घी की धूप जलाना चाहिए, बाजार में मिलने वाली हर धूप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि हवन के लिए धूप का प्रयोग कर रहे हैं तो उत्तम श्रेणी की धूप
जो कि पूर्णतः मिश्रित और केवल मात्र कुछ चंद पंसारियों पर ही वो मिल सकती है। हर जगह तो कचरा कूड़ा मिला करके धूप बना करके दे देते हैं, उसको बेचते हैं। तो असल धूप का ही हवन करना चाहिए और असल घी का ही उसमें प्रयोग करना चाहिए। असल घी आप कहीं किसी डेयरी से मक्खन ला करके गरम करके और उसमें से निकाल सकते हैं, और चाहे तो दूध इकट्ठा खरीद करके उसका दही जमा करके और उसे मिक्सी आदि में फेर करके उसमें से घी निकाल सकते हैं। लेकिन सस्ता साधन ये है कि किसी डेयरी से जाकर के क्रीम खरीद लाएं और क्रीम को गर्म कर लेंगे तो उसमें शुद्ध घी निकल आएगा। बाजार में मिलने वाले अधिकांश घी जितने भी ब्रांडेड हैं या पैक्ड हैं, ये सब मिलावटी हैं, नकली हैं। और हमारा जहां तक अनुभव है, चाहे जोन सा भी ब्रांड हो, नामी ब्रांड हो, उसमें खोट है, वो शुद्ध नहीं है, पूजा योग्य नहीं है। आप खाएं उसको या क्या करें ये तो हम नहीं कह सकते, मगर भगवान की पूजा में अवश्य शुद्ध घी का प्रयोग करें। दीपक में, चाहे हवन में या अन्य क्रियाओं में, घृत स्नान जो कराए जाते हैं अभिषेक के वक्त, उसमें तो असल घी, हर चीज असल हो। बस अगर आप असल चीज से पूजा करते हैं तो निसंदेह ही पूजा कामयाब होगी और मंत्र जब बेकार नहीं जाएगा, स्तोत्र बेकार नहीं जाएगा, स्तुति बेकार नहीं जाएगी। लेकिन आप ब्रांडेड के चक्कर में पड़ते हैं, पैकड के चक्कर में पड़ते हैं, तो वो पूजा योग्य तो नहीं है। आप उसे घर में इस्तेमाल करें, खाएं पिए या कुछ करें, वो एक अलग। अगर आपको पूजा के लिए किसी सामग्री का प्रयोग करना है तो उसे स्वयं तैयार करें, अपने हाथ से बनाएं और उसी का इस्तेमाल करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद भगवान शंकर के मृत्यु निवारक मृत्युंजय स्तोत्र का यहां उच्चारण कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 मामव, चंद्रशेखर 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 माम स्मर। रत्न सानुशरासनम रजतादृशंगनिकेतनम शिंजनीकृत पन्नगेश्वर मच्युतानन सायकम क्षिप्रदग्ध पुरत्रयम् त्रिविदा त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयमः। रत्नसानुशरासनम् रजताद्रिश्रृंगनिकेतनम् शिञ्जनीकृतपन्नगेश्वर मच्युतानन सायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयम् त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयम् त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वयमः। मत्तवारण मुख्य चर्म कृत्तोत्तरीय मनोहरम पंकजासन पद्मलोचन पूजितांगिर सरोरुहम देवसिंधु तुरंग सीकर सिक्त शुक्त
शुभ्र जटाधरम चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयम। चंद्रशेखर 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 पाहि माम। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। चंद्रशेखर 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 मामव। चंद्रशेखर 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 मामिस्मर। मत्तवारणं मुख्य चर्म कृतोत्तरीय मनोहरम। पंकजासन पद्मलोचन पूजितांगिंग्र सरोरुहम। देव सिंधु तरंग सीकर सिक्त शुभ्र जटाधरम। चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वैयम। कुंडलीकृत कुंडलेश्वर कुंडलम वृषवाहनम। कुंडलीकृत कुंडलेश्वर कुंडलम वृषवाहनम। नारदादि मुनीश्वर स्तुत वैभवम भुवनेश्वरम। नारदादि मुनीश्वर स्तुत वैभवम भुवनेश्वरम। अंधकांधक माश्रितामर पादपम शमनांतकम। अंधकांधक माश्रितामर पादपम शमनांतकम। चंद्रशेखर माश्रय मम किं करिष्यति वैयम। भेषजं भव रोगिणाम खिलापदाम पहारिणम। भेषजं भव रोगिणाम खिलापदाम पहारिणम। दक्ष यज्ञ ध्वंसनम दक्ष यज्ञ ध्वंसनम त्रिगुणात्मकम त्रिविलोचनम। भेषजं भव रोगिणाम खिलापदाम पहारिणम। दक्षयज्ञ ध्वंसनम त्रिगुणात्मकम त्रिविलोचनम। भुक्ति मुक्ति फलप्रदम सकलाग संग निर्वहणम। भुक्ति मुक्ति फलप्रदम सकलाग संग निवहरणम। चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वैयम। भेषजं भव रोगिणामाखिलापदाप हारिणम। दक्षयज्ञ ध्वंसनम त्रिगुणात्मकम त्रिविलोचनम। भुक्ति मुक्ति फलप्रदम सकलाग संग निवरणम। चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वैयम। यज्ञराज सखम भगाक्ष हरम भुजंग विभूषणम। यज्ञराज सखम भगाक्ष हरम भुजंग विभूषणम। शैलराज सुता परिष्कृत चारुवाम कलेवरम। यज्ञराज सखम भगाक्ष हरम भुजंग विभूषणम। शैलराज सुता परिष्कृत चारुवाम कलेवरम। श्वेड नील गलम परश्वद धारिणम मृग धारिणम। चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वैयम। श्वेड नील गलम परश्वद धारिणम मृग धारिणम। चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वैयम। विश्वसृष्टि विधायिनं पुनरेव पालन तत्परम्। संगरंतमपि प्रपंचं शेषलोक निवासिनं। क्रीडियंतमहर्निशं गणनाथ यूथ समन्वितं।
चंद्रशेखर माश्रय मम किंकरिष्यति वैयम भक्तवत्सल अरिचितम निधिम क्षयम हरिदंबरम भक्तवत्सल अरिचितम निधिम क्षय क्षयम हरिदंबरम। सर्वभूत पतिं परात्पर सर्वभूतिं परात्परं प्रमेयमनुत्तमं सोमवारिद भूतासन सोममा निलिखाकृतिं चंद्रशेखरमाश्रये मम किंकरिष्यति वैयम भक्तवत्सलमर्चितं निधिं क्षयं हरिं हरिदंबरं। सर्वभूतपतिं परात्परं प्रमेयमनुत्तमं सोमवारिद भूतासन सोमपानिलखाकृतिं चंद्रशेखरमाश्रये मम किंकरिष्यति वैयम। पञ्चपादप पुष्पगंध पदाम्बुजद्वय शोभितम् बाललोचन जात पावक दग्धमन्वत विग्रहम् भस्म दिग्ध कलेवरम् भवनाशनम् भवमव्ययम् चंद्रशेखरमाश्रये मम किंकरिष्यति वैयम। पञ्चपादप पुष्पगंध पदाम्बुजदय शोभितम् बाललोचन जात पावक दग्धमन्मथ विग्रहम् भस्म दिग्ध कलेवरम् भवनाशनम् भवमव्ययम् चंद्रशेखरमाश्रये मम किंकरिष्यति वैयम। मृत्युभीत मृकंड सुन कृतैस्तवम शिव सन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्नहि तस्य मृत्यु भयं भवेत्। पूर्णमायुर रोगितामखिलार्थ संपद मादरम् चंद्रशेखर एव तस्य ददाति सिद्धिम् अलौकिकीम्। मृत्युभीत मृकंड सुनु कृत इस्तम शिव सन्निधौ यत्र कुत्र चय पठेन्नहि तस्य मृत्यु भयं भवेत्। पूर्णमायुर रोगितामखिलार्थ संपद मादरम् चंद्रशेखर एव तस्य ददाति सिद्धिम् लौकिकीम्। ये भगवान शंकर का मृत्यु निवारक मृत्युंजय स्तोत्र है। इसका सही तो तरीका ये है कि आपके गले में रुद्राक्ष की माला हमेशा 24 घंटा, और अगर माला न बन पड़े तो कम से कम एक रुद्राक्ष का दाना अपने शरीर पर अवश्य रखें, और यह दाना नाभि तक नीचा रहना चाहिए। रुद्राक्ष का दाना नाभि से ऊपर शरीर में कभी नहीं रखना चाहिए। रुद्राक्ष की यह विशेषता रहती है कि रुद्राक्ष का दाना शरीर में जिस स्थान पर रहेगा वह मनुष्य के श्वास को प्राणवायु को नियंत्रित कर देता है, संकेंद्रित कर देता है। यानी मनुष्य का श्वास यानी प्राणवायु उस स्थान तक जाएगी जहां तक रुद्राक्ष का दाना होगा, और उसी स्थान से वापस जाने लगती है। योग शास्त्र के मुताबिक भगवान शंकर परम योगी हैं। यह नियम है कि रुद्राक्ष का दाना नाभि तक रहेगा तो आपका श्वास नाभि तक जाएगा और नाभि से लौटेगा,
आप अस्वस्थ नहीं होंगे, अन्यथा आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, सबसे लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, रुद्राक्ष फायदे की जगह आपको नुकसान देने लगेगा। अतः रुद्राक्ष का एक दाना नाभि तक अवश्य रहना चाहिए नीचे, उसके उपरांत इस शिवजी के मृत्यु निवारक स्तोत्र का, मृत्युंजय स्तोत्र का उच्चारण करें या इस सीढ़ी को बजाएं और एक घी का दीपक भगवान शंकर के समक्ष और धूप, चाहे वो गीली धूप लगा दें या हवन आदि कर दें उसके साथ में, ये आप करते रहेंगे तो घर में से बीमारी और मृत्यु ये दो पलायन कर जाएंगी। ओम नमः शिवाय।